कहा जाता है कि जब किसी इंसान को किसी चीज की आदत हो जाती है तो उससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। वही आदत धीरे धीरे लत बन जाती है और लत बहुत ही बुरी चीज होती है। ये तो हम सभी जानते हैं कि लत हमें तो नुकसान पहुंचाती ही है, साथ ही साथ परिवार और करीबियों को भी दुखों और परेशानियों के भंवर में खींच लेती है। और शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में ड्रग्स फ्री इंडिया कैंपेन की बात कही है। और उसी लत के चक्कर में आज हमारे देश में लाखों परिवार कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। हमारे समाज में बहुत ही बुरी चीज है जिसे हम चाहकर भी इसको दूर नहीं कर पा रहे हैं। आपको बता दें कि शराब, सिगरेट, ड्रग्स या फिर गुटखा, खैनी का सेवन थोड़ी मात्रा में भी शरीर को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जब ये लत बन जाता है तो स्थिति काबू से बाहर होने लगती है। और लत का मतलब है कि जिस चीज की लत है वो जब तक न मिले पीड़ित बेचैन और असामान्य रहता है। जब वो चीज उसे मिल जाए तो वो सामान्य लगने लगता है, लेकिन असल में अगर हम बात करें तो वो अंदर से बहुत ही कमजोर और बीमार हो चुका होता है। हमारे देश में धूम्रपान करने की लत दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। बड़ों से ज्यादा युवाओं में धूम्रपान की लत फैलती जा रही है, जो हमारे समाज पर बहुत ही गहरा असर डाल रहा है। ये तो जानते हैं कि गुटखा, शराब, सिगरेट स्वास्थ्य के लिए हानिकारक और जानलेवा भी है। और ये लत ऐसी होती है कि एक बार किसी युवा के लग जाए तो कितनी भी कोशिश क्यों न की जाए, उसके बुजुर्ग होने पर भी वो लत छूटती नहीं है। ऐसे लोग गुटखा का सेवन करके न केवल अपनी ही जिंदगी खराब करते हैं, बल्कि अपने परिवार और बीवी बच्चों को भी परेशान करते हैं। कई घरों में पत्नियां गुटखा छुड़वाने के लिए कई तरह के उपाय भी करती हैं, ताकि उनके पति को गुटखे से नफरत हो जाए, लेकिन वो अपने उपाय में सफल नहीं हो पाती हैं। लेकिन अब आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज हम आपको एक ऐसा तरीका बताने जा रहे हैं जिसके खाते ही धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को गुटखा से सख्त नफरत होने लगेगी। जैसा कि हम सभी जानते ही हैं कि गुटखा से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो जाती है, जिसके सेवन करने से व्यक्ति की जान बहुत जल्दी जा सकती है। इस लत को छुड़ाने के लिए कई लोग डॉक्टर से सलाह भी लेते हैं, लेकिन आज जो हम आपको घरेलू नुस्खा बताने जा रहे हैं उसको करके देखिए। यकीन माने आप एक हफ्ते के अंदर ही आपको असर होता हुआ दिखाई देने लगेगा। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ इन चीजों की जरूरत होगी, वो है अजवाइन, सेंधा नमक, जो कि आपको आसानी से बाजार में मिल जाता है। इन सभी सामग्रियों का मिश्रण बनाकर इसमें 2 नींबू का रस मिलाकर तवे पर सेकें, बस गुटखा छुड़ाने का इलाज तैयार हो गया। अब इस मिश्रण को गुटखा का सेवन करने वाले व्यक्ति की जेब में रख देना है, ताकि जब भी उसे गुटखे की तलब लगे तो वो उस मिश्रण को खा सके, क्योंकि ये मिश्रण गुटखे का स्वाद देता है लेकिन हानिकारक बिल्कुल भी नहीं होता है। जबकि 1 किलो केसर की कीमत 1.6 लाख रुपए होती है, लेकिन इसकी जगह जिस केमिकल फ्लेवर का इस्तेमाल किया जाता है उसकी कीमत महज 2300 रुपए प्रति किलोग्राम होती है। असली और नकली चीजों के दाम में इतना बड़ा अंतर होता है, इसलिए कोई भी गुटखा मैन्युफैक्चरिंग कंपनी असल खुशबू का इस्तेमाल नहीं करती है। इसके अलावा इस मिश्रण से खाने वाले व्यक्ति का रक्त भी साफ होता है और धीरे धीरे करके वो गुटखे का स्वाद भूल जाता है। जबकि खाने वाले व्यक्ति को गुटखा और इस घरेलू मिश्रण में अंतर जरूर समझ में आएगा, लेकिन अगर होशियारी से ये काम किया जाए तो बहुत जल्दी ही व्यक्ति का गुटखा छूट सकता है। क्यूरेन हेल्थ डेस्क से विनीत राय की रिपोर्ट।